हेलो फ्रेंड्स, मैं वितेज और आप देख रहे हैं वितेज फार्मा का एंड टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सैमसंग का J7XT हो या उससे रिलेटेड कोई J7 Pro हो, इस तरह की कोई भी अगर मॉडल हो सैमसंग के ए सीरीज के बाद के, मतलब पहले जो आए थे सैमसंग J7XT और J7 Pro, इस तरह के जो अपडेट मॉडल होंगे, और उसका अगर आप पैटर्न लॉक लगाते हैं, पिन लॉक लगाते हैं, कोई सिक्योरिटी लॉक लगाते हैं और वो लॉक आप भूल जाते हैं, तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको फ़ोन को हार्ड रिसेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें बाई चांस आप Gmail ID भूल जाते हैं, अगर आप Gmail ID भूल गए हैं, उसके बाद फिर आपका तो होगा कि भाई ये क्या हो गया, उसमें FRP का लॉक लग जाएगा। गूगल FRP जिसको बोलते हैं, गूगल सिक्योरिटी बोलते हैं, तो उस सिक्योरिटी को आप कैसे अनलॉक करेंगे वो मैं ट्रिक आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये सिर्फ ट्रिक है, आप अपने पर्सनल जो होता है मोबाइल उसको आप कर सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह की ट्रिक वीडियोस आपको बहुत दे दूंगा और बताऊंगा। उसके बाद मेरी अनबॉक्सिंग की भी बहुत सारी वीडियोस है, उसको देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं, सैमसंग J7XT हो चाहे J Pro हो, किस तरह का कोई भी हो, J7XT, J7 Pro, किसी भी सेट को आप अनबॉक्सिंग, अरे ये कहते हैं ना FRP, गूगल लॉक, वो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं वितेज और आप देख रहे हैं वितेज फार्मा का एंड टैक्स ऑसम। फ्रेंड्स, ये है सैमसंग का J7XT, जिसका कि हम गूगल FRP बाईपास करेंगे जब फ़ोन हार्ड रिसेट होता है, उसके बाद आपका FRP लॉक का प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और हम देखते हैं कि उसके बाद इसमें कुछ आपका जो Gmail है, अगर वो उसमें सही से नहीं पड़ता है तो ये ऑन होता है कि नहीं होता है। तो सैमसंग का J7XT है, ये अपडेट वर्जन है और इसमें देखिए आपको माई गूगल अकाउंट जिसमें एडिट करना है, दिखा रहा है कि आप यहाँ पे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आप जब फ़ोन आपके पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाता है तो आप उसको हार्ड रिसेट करते हैं, तो अगर आप जीमेल भूलते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जीमेल डालना होगा। अगर आपने जीमेल भूल गया है तो फिर आपको FRP लॉक करना पड़ेगा, जो लॉक है उसको अनलॉक। तो देखिए, हमने ये कर दिया, यहाँ पर डाल रहे थे वहाँ पर नहीं लिया। तो ये बटन को हम 3 से 4 बार दबाएँगे, इसको हम यहाँ पर एसेसिबिलिटी ऑन करेंगे, ये देखिए यहाँ ऑन हो गया। इसको एल करेंगे, मतलब इसको ऊपर से नीचे खींचेंगे और फिर यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है टॉक बॉक सेटिंग, हम टॉक बॉक सेटिंग को ऑफ़ करेंगे जाके अंदर से। ये देखिए, हम इसको उंगली से ऊपर नीचे करेंगे, पहले टॉक बॉक ऑफ़ कर देते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो उंगली से नीचे करके टॉक बॉक ऑफ करना पड़ेगा। हेल्प एंड फीडबैक पर जाते हैं, यहाँ से आप फीडबैक पर जाएँगे, देखिए तो उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, नेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखिए, फिर यहाँ पे पूछ रहा है अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, तो जो है ऊपर वाले पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपका ये यूट्यूब ऑप्शन खुलेगा। इस यूट्यूब ऑप्शन पर हमें बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर एक फिर ऑप्शन खुलेगा शेयर का, हम शेयर करते हैं, फिर 3 डॉटेड बिंदु पे क्लिक करते हैं, यूट्यूब ऑन हो जाएगा मेरा यहाँ पर, ये देखिए ना हो गया। उसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, ये देखिए मिनिमाइज़ कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे जहाँ पे मुंडी बनी है, टर्म्स एंड प्राइवेसी पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको सैमसंग इंटरनेट दिखा रहा है, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपका एक ये पेज खुलेगा यूट्यूब का, हम उस पर अब सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे गूगल। अब हमको गूगल पे जाना है, ये देखिए यहाँ तक आपका एकदम आसान हो गया है। अब यहाँ पे हमें लिखना है एपेक्स लॉन्चर, आप एपेक्स लॉन्चर के थ्रू इसको FRP अनलॉक कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करिए, एपेक्स लॉन्चर का लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं किस पे लेटेस्ट वर्जन है। आपको सिर्फ एक एपेक्स लॉन्चर का एप्लीकेशन है जो कि डाउनलोड करना है। चलिए देखते हैं इसका एपेक्स लॉन्चर का वो सबसे बढ़िया कहाँ पर है। तो ये देखिए एपेक्स लॉन्चर का फाइल है, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटें हैं, वहाँ आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं आपको लगे। ये देखिए मैंने कर लिया है, तो यहाँ पर आप APK प्योर से कर रहा हूँ, डाउनलोड APK यहाँ दिखा रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक लिंक और खुलेगा, ये देखिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। आप किसी से भी करिए, बस आपको एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करना है, आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, किसी भी, यहाँ पे जितने भी वेबसाइट हैं किसी पे भी आपको बस एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करना है। ये देखिए डाउनलोड हो नहीं लगा, ये आपका एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड हो लेगा। अब आपको यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन, मतलब
पहले आपको एप्लीकेशन जो है एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड किया है, अब आपको यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उस दूसरे एप्लीकेशन का नाम है टेक्नो केयर, मतलब जो दूसरा एप्लीकेशन उसका नाम है टेक्नो केयर। आप एपेक्स लॉन्चर के थ्रू टेक्नो केयर टेक्निक से अपना FRP अनलॉक कर सकते हैं। ये J7XT है, सैमसंग का कोई भी मॉडल हो, अपडेट वर्ज़न आप उसको इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, आपको फिर बाईपास नहीं मांगेगा। तो ये देखिए टेक्नो केयर का APK हम लोग डाउनलोड करेंगे। जब ये टेक्नो केयर का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ से देखिए क्लिक किए हर टू स्टार्ट डाउनलोड, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे प्राइमरी बेस पे आपको दिखाएगा, ये कुकीज़ बंद कर दीजिए, और प्राइमरी बेस पर आपको दिखाएगा। यहाँ देखिए अभी आप देखेंगे तो आपको एक दिख जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए है प्राइमरी डाउनलोड, हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब ये फाइल आपका यहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड जब बोलेगा तभी, तो ये हमने डाउनलोड होने लगा। अब आप ये देखेंगे कि कहाँ पर ये डाउनलोड आ रहा होगा, तो ये बुक मार्क्स पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए कैंसिल करेंगे, साइन इन हमको नहीं करना है, यहाँ पे हिस्ट्री में जाएंगे और डाउनलोड हिस्ट्री में जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए एपेक्स लॉन्चर पहले डाउनलोड हो चुका है और टेक्नो केयर अभी डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए अब दोनों फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एपेक्स लॉन्चर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। चलिए हम पहले एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल करते हैं, एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल करके देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो देखिए एपेक्स लॉन्चर को मैंने इंस्टॉल कर दिया, सेटिंग मांग रहा है डिवाइस का, इंस्टॉल अननोन एप्स, उसको ऑन करिए, उसके बाद फिर बाहर आइए। बाहर आने के बाद आपको यह है एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल होगा, इसका पूरा थीम इंस्टॉल हो जाएगा। आप इस एपेक्स लॉन्चर को पूरा परमानेंट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एड बेस्ड होता है और ये ट्रायल वर्जन होता है। तो ट्रायल वर्जन है ये, देखिए इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ आपको यहाँ पे ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके होने के बाद अब आपको इसको ये देखिए पूरा थीम बता रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसका पूरा थीम आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये होम स्क्रीन इसका हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं होम स्क्रीन हो गया है। अब चलिए यहाँ से हम देखते हैं, इस पर है कॉन्ग्रेचुलेशन इंस्टॉल हो गया, फ्री ट्रायल है, इसको कम करते हैं और ये ऐड आना शुरू हो गया दोस्तों। तो ये ट्रायल वर्जन है इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जाना है सेटिंग में, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अब मैं आपको बताऊँगा आपको एक डिवाइस, मतलब कि आपको यूज़ करना है डिवाइस एंड मेंटेनेंस। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है डिवाइस मेंटेनेंस, आपको इस पर क्लिक करना होगा। चलिए डिवाइस पे नहीं गए हम लोग, पहले सिक्योरिटी पे जाते हैं, सिक्योरिटी पे जाके करते हैं, डिवाइस पे हम लोग देखेंगे बाद में। फिर ये है डिवाइस, यहाँ पर आपको जाना है। आप सिक्योरिटी पे गए, यहाँ पर आपको जो डिवाइस दिख रहा है उसको डीएक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पर कोई अब बिंदु में लाइन नहीं है, उसके बाद बाहर आइए। बाहर आने के बाद आप ऐप्स में जाइए, अब आप देखिए बाहर आ गए, सिक्योरिटी के बाद आप बाहर आ गए। तो ऐप्स में भी हमें जाना है, लेकिन चलिए पहले हम लोग डाउनलोड में जाके टेक्नो केयर फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। हम लोग अभी ऐप्स में भी जाएंगे, तो पहले टेक्नो केयर जो है उसको हम लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए टेक्नो केयर हमने इंस्टॉल कर लिया है। टेक्नो केयर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको फिर हम सेटिंग में जाएंगे और ऐप्स के थ्रू जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, आप एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करिए टेक्नो केयर और फिर आप ब्रेक करिए FRP। अब ये देखिए हो गया, टेक्नो केयर भी इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, आइए देखते हैं। हम लोग ये ओपन करते हैं, सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग प्ले सर्विस को डिजेबल करेंगे, ये इनेबल है और हम लोग इसको डिजेबल कर देंगे, मतलब डिजेबल होगा उसको इनेबल कर देंगे। ये देखिए नीचे हम जाएंगे, अभी आप पूरा देख लीजिए और एक एक चीज़ देखिए अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप बार बार पूछेंगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ज़्यादा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपका होता है क्या कि होने के बाद भी कभी लगता है कि नहीं ऑन हुआ है, तो दो चार बार रीसेट करेंगे या दो चार बार फिर से करेंगे तो ले लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी टेक्निक से आपका अनलॉक होगा। और मैं नीचे जा रहा हूँ, गूगल प्ले सर्विस ये देखिए यहाँ पर है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ डिजेबल है उसको मैंने इनेबल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इनेबल हो गया और मेरा ये डिजेबल हो गया। उसके नीचे जाते हैं, अगर यहाँ पर आपको अकाउंट क्विक अकाउंट मैनेजर हो, मतलब अकाउंट मैनेजर हो, तो उसको भी हमको डीएक्टिवेट करना होगा, डिजेबल कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग सर्च से बात कर लेते हैं, दिख गया तो हुआ, हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ प्ले सर्विस को ही डिजेबल कर दीजिए और इनेबल बाद में करिएगा, पहले डिजेबल कर दीजिए। और उसके बाद देखिए बाहर आइए,
फिर हम बाहर आने के बाद फिर सिक्योरिटी में जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे जाएंगे भाई, क्लाउड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लाउड पे जाने से क्या फ़ायदा। ओ गूगल अकाउंट है, यहाँ पर हम लोग गूगल अकाउंट को डालेंगे, क्योंकि डिवाइस मेरी डीएक्टिवेट हो गई है। और अकाउंट्स में जाएंगे, वहाँ पर हम लोग इसको डाल देंगे जीमेल आईडी। यहाँ पर हम लोग देखिए सिक्योरिटी में जाके हम लोग वहाँ अकाउंट है, अकाउंट मतलब जाके हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। आप क्रिएट भी कर सकते हैं, पुराना ईमेल भी डाल सकते हैं। तो मैं पुराना ईमेल ये देखिए यहाँ पे डाल देता हूँ, और डालने के बाद हम इसको पूरी लॉगिंग कर देंगे। और लॉगिंग करके हम लोग पुराना है ये मेरा अवितेश फर्मवर्क मेरी जीमेल आईडी है, हम इसको लॉगिन करते हैं। पासवर्ड मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं वीडियो यहाँ से काट करके आगे बढ़ा दूँगा। तो बस लॉगिंग हो गया है, लेकिन अभी हमने लॉगिंग कर दिया है, और उसके बाद अब हमको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हम सिक्योरिटी में जाते हैं, देखते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं, अदर सेटिंग में हमें नहीं जाना है। यहाँ पर अभी आपका यहाँ से बाहर आते हैं, ऐप्स में जाते हैं। ऐप्स में जाके हमने लॉगिंग कर दिया। अब जो मेरी प्ले सर्विस जो थी हम लोगों ने डिजेबल किया था, उसको इनेबल कर देंगे। मतलब कि अब वहाँ पे जहाँ इनेबल लिखा होगा वहाँ डिजेबल लिखा होगा। तो चलिए प्ले सर्विस को पहले हम इनेबल करते हैं, और प्ले सर्विस को इनेबल कर देंगे, और इससे कि आपका जो जीमेल आईडी है वो आपको लेने लगेगा। अगर आपको डिजेबल कर देते हैं तो फिर जीमेल आईडी आपका लेगा ही नहीं, तो हमें उसको इनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा, बहुत ऊपर चला जाता है, प्ले सर्विस डिजेबल है, इनेबल कर दीजिए। अब ये ऑन हो गया, डिजेबल हो गया, इनेबल हो गया मतलब। अब यहाँ से हम चलते हैं वापस, अब हम जाते हैं यहाँ से सिक्योरिटी में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, ढूंढ रहा हूँ सिक्योरिटी, ये है, नीचे सिक्योरिटी में जाता हूँ। यहाँ से जाते हैं हम लोग अदर सेटिंग में, यहाँ से जाएंगे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे जो हम लोगों ने बंद किया था उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब एक्टिवेट हो गया, पहले मैंने बंद किया था, अब मैं फाइंड डिवाइस एक्टिवेट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये फाइंड डिवाइस एक्टिवेट हो गया, अब हम बाहर आएंगे। उसके बाद फ़ोन को हम ऑफ़ करेंगे, हमने जीमेल डाल दिया है, प्ले सर्विस को भी डिजेबल था इनेबल कर दिया है, और उसके बाद फाइंड डिवाइस को भी हम लोग निकाल दिया। अब हम ऑफ़ करते हैं, ये फ़ोन देखिए अब ऑफ़ हुआ है। ऑफ़ होने के बाद अब ये फ़ोन पूरा प्रॉपर ऑन होगा, सैमसंग गैलेक्सी J7NXT। ये आपका सैमसंग का जो सेट है ये ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद का जो प्रोसेस है आपका वही रूटीन प्रोसेस है आपका। यहाँ पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए पूरा वर्क आपका करेगा। देखिए हाय देयर, बाकी यहाँ पर अब आपको कुछ करना नहीं है, आपका फ़ोन ऑन हो चुका है दोस्तों। लेकिन आपको पूरा प्रोसेस मैं करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बेहतरीन है। यहाँ पर एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे सब चालू हो चुका है। उसके बाद आपको चेकिंग फॉर अपडेट्स बोल रहा है, तो ये आपको करते रहना है। और यहाँ देखिए आपको एक अकाउंट दिख रहा है तेज फर्मवर्क, यहाँ गेटिंग अकाउंट इन्फो। तो दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो है, और इससे आप लगभग कुछ अपना जो से J7NXT होगा उसको FRP अनलॉक कर पाएंगे, और मेरे इस वीडियो को पसंद भी करेंगे। तो उसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्रिप्शन फ्री है, आपको इसमें कोई पैसा नहीं देना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई इशू आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, पर गाली मत दीजिएगा, क्योंकि गाली से दिल हर्ट होता है, और जब मेरा हर्ट होता है तो मैं भी उल्टा रिएक्शन दे देता हूँ मैसेज में। तो ये उन लोगों के लिए है जो सभ्य लोग हैं, असभ्य लोग के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और आपका अनलॉक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक, अपना दिमाग लगाना भी पड़ता है, इतने वीडियो के बाद भी आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। मेन चीज़ यहाँ पर आपका यही है, एपेक्स लॉन्चर और टेक्नोकेयर APK, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपका फाइंड डिवाइस है, वो जिसे बंद करते हैं उसको ऑन करना ज़रूरी है। प्ले सर्विस को आपने डिजेबल किया है, इनेबल करना ज़रूरी है। तो ये सब आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा, मतलब कि आपको आपने एपेक्स लॉन्चर लॉन्च किया, उसके बाद टेक्नो को इंस्टॉल किया। अगर फाइंड डिवाइस में आपने नहीं है फाइंड डिवाइस, पहले टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले फाइंड डिवाइस को ऑफ करना होगा, फिर टेक्नो एप्लीकेशन चलेगा। क्योंकि ये क्रैक वर्जन होता है, क्रैक वर्जन की फाइलें होती हैं, क्रैक होती हैं, और वो सिस्टम को पूरा लोड भी लेती है। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है पूरा नया तरीके से, आप इसको इंस्टॉल पूरा मत करिए क्योंकि टाइम खाएगा। और इस तरह से आपका
कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए पूरा एप्लीकेशन डन हो गया है। इसके बाद भी अगर आप जैसे फ़ोन पूरा ऑन हो जाता है दोस्तों, तो इसके बाद भी आपको फ़ोन को दोबारा रीसेट करिएगा, पर गूगल अकाउंट रिमूव करके, क्योंकि मैंने जो आईडी डाली है, अगर मैं बाई चांस दोबारा भूल जाता हूँ और पासवर्ड याद नहीं रहेगा तो फिर से वही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो देखिए आपका ये पूरा सेट ऑन हो चुका है कम्प्लीट, लेकिन अभी ये स्लो चल रहा है क्योंकि क्रैक वर्जन इसमें पड़ा हुआ है। तो हमें करना क्या होगा, जाना होगा सेटिंग में। अब ये देखिए सेटिंग में जाने के बाद फिर वही यहाँ से जाना होगा हम लोगों को अकाउंट्स में, क्लाउड एंड अकाउंट्स में। देखिए देखिए ये है, और यहाँ से जाके हमें अकाउंट्स में जाएंगे और जो मेरा अकाउंट्स आईडी है इसको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करके उसके बाद ये आईडी है, और यहाँ पे अपना पूरा नया भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड ऑप्शन भी है और रिमूव ऑप्शन भी है। तो आपको करना क्या है, रिमूव करिए, आईडी को रिमूव करना है। मैं दोस्तों मैं चलता हूँ, उसको रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करके और इसको रीसेट करता हूँ। ये रीसेट का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट बोल रहा है। तो पहले हम लोग जाते ही हैं क्लाउड एंड, उसमें अकाउंट को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव हो गया मेरा अकाउंट। उसके बाद हम जाएंगे अबाउट्स में। अबाउट्स में जाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ बोलेगा फैक्ट्री डाटा रीसेट कम्प्लीट, इरेज रीसेट। तो ये देखिए पूरा फ़ोन आपका रीसेट हो जाएगा, और फ़ोन रीसेट होने के बाद आपका प्रॉपर तरीके से ऑन होने लगेगा। तो दोस्तों रीसेट ज़रूर करिएगा, फ़ोन आपका पूरा तरीके से वर्क करेगा, नहीं तो कोई फाइल करप्ट होगी तो उससे आपका फ़ोन प्रोसेस नहीं करेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल रितेश फार्मा एंड टैक्स सॉल्यूशन को देखो, उसको लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं आपको और भी इस तरह की वीडियोस बना के दे सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल रितेश फार्मा एंड टैक्स सॉल्यूशन को देखने के लिए, उसे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब। देखिए यहाँ पे अकाउंट अट गया है।